लगातार मालेगांव बम ब्लास्ट में विटनेस हॉस्टाइल हो रहे हैं। जब ये मामला शुरू हुआ था, हेमंत करकरे साहब ने इसे क्रैक करने का काम किया। 26/11 के हमले में वे शहीद हो गए। विटनेस हॉस्टाइल होते समय कह रहे हैं कि एटीएस के दबाव में हमने बयान दिया। इससे सीधा मतलब निकलता है कि हेमंत करकरे साहब जो देश के लिए शहीद हुए, उनकी जो भी ईमानदारी थी उस पे सवाल खड़ा किया जा रहा है। जिस तरह से विटनेस हॉस्टाइल हो रहे हैं, सरकार केंद्र की बदलने के बाद जो सरकारी वकील थी उस पे दबाव डाला गया, जिस तरह से पूरा केंद्रीय एजेंसी का रवैया बदला, हमें लगता है विषय गंभीर है। जो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसे ढंग से क्रॉस करना पड़ेगा और न्यायालय को भी इसका संज्ञान लेना पड़ेगा कि एक के बाद एक सभी विटनेस कैसे हॉस्टाइल हो रहे हैं। कहीं उन्हें पढ़ाकर तो हॉस्टाइल नहीं किया जा रहा है, ये सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जिसने देश के लिए अपने प्राण गंवाए, उस अधिकारी की कार्रवाई पे सवाल सारे विटनेस कर रहे हैं, ये विषय गंभीर है। सर पुणे के एयर गए हैं, आदित्य ठाकरे का जो नाम आया है। अधिकारी एंटालिया बम प्लांट केस का मुख्य मास्टरमाइंड है, जिसने सदन को गुमराह करने के लिए सरकार को गुमराह किया, लगातार सरकार को गुमराह करता रहा, उस अधिकारी का तबादला किया गया और वो अधिकारी जब एटीएस की जांच चल रही थी, बाद में एनआईए के पास मामला गया। एनआईए की चार्जशीट सीधे संकेत देती है कि एंटालिया मामले का मुख्य आरोपी परमवीर सिंह है। परमवीर सिंह के घर की मीटिंग का उल्लेख है, कुरकुरे बालाजी ईमेल का उल्लेख है, सीक्रेट फंड से 5 लाख रुपया दिया गया पूरे एविडेंस बदलने के लिए। एनआईए ने कहा कि हम आने वाले दिनों में चार्जशीट एडिशनल फाइल करेंगे। एनआईए केंद्र के इशारे में परमवीर सिंह को बचा रही है। परमवीर सिंह के जरिए भारतीय जनता पार्टी और केंद्र की सरकार राजनीति कर रही है। झूठे आरोप अनिल देशमुख पर लगाए गए। परमवीर सिंह का ईडी का सारा बयान फर्जी, मनगढ़ंत और सरकार को बदनाम करने वाला है। चार्जशीट में बयान है, न्यायालय के सामने बहस होगी और किस तरह से सारी चीजें जो भी हुई है, जो इल्जाम आयद किए गए वो राजनीति से प्रेरित थे। हमें लगता है केंद्र की सरकार परमवीर सिंह के जरिए राजनीति कर रही है, परमवीर सिंह को एक गंभीर मामले में बचा रही है। आने वाले दिनों में न्यायालय में जो भी सच्चाई है वो सामने आएगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा। मालेगांव बम दीन अवैसी पर हापोड़ में गोलियां चलाई गई, गिरफ्तारी तो हुई है, जांच होनी चाहिए कि किन लोगों ने षड्यंत्र किया और क्यों गोली चलाई गई। साथ ही साथ विषय गंभीर है, उत्तर प्रदेश चुनाव में किसी दल के अध्यक्ष स्टार प्रचारक पे हमला होता है, चुनाव आयोग को गंभीरता से लेना होगा। डीजीपी उत्तर प्रदेश को आदेश देना होगा कि जो भी नेता उत्तर प्रदेश में स्टार प्रचारक के रूप में जा रहे हैं, उनके कार्यक्रम की सूची पुलिस को मिलती है, वो सभी नेताओं को उनके कार्यक्रमों में ढंग से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। और इस तरह से उत्तर प्रदेश की घटना अगर होती है तो आगामी दिनों में और भी कुछ इस तरह का मामला ना बने, इसको चुनाव आयोग डीजी को आदेश दे और डीजी उत्तर प्रदेश सभी की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए जो भी सुरक्षा मुहैया करानी है उन सभी लोगों को सुरक्षा मुहैया कराने का काम करे। सर परमवीर सिंह मामले